दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडियाज नंबर वन इमर्जिंग स्कूल जहां है एकेडमिक्स स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू नाइन्थ यहां नाके पे 70 दुकानें हैं रेलवे फाटक के पास में और हर व्यक्ति बेरोजगार हो जाएगा तो गवर्नमेंट ने तो कोई साथ दे रही नहीं गवर्नमेंट तो और हमको खाली करने का 7 दिन का नोटिस दे दिया किस तरीके से आप लोग लगे हो खाली करने में दुकानें फर्नीचर खोल रहे हैं कल को आते ही नुकसान कर देंगे वो तो जैसे भी पहले भी तोड़ गए वो और वो आते ही फिर तोड़ देंगे क्या मानते हो भाई साहब कितने सालों पुरानी दुकानें हैं ये 50-60 साल पुरानी दुकानें हैं यहाँ 70 दुकानें हैं क्या मानते हो कितने परिवार चलते हैं कैसे बेरोजगार 400-500 आदमी है पूरा घर चल रहा है 4-4 5-5 जने एक एक दुकान में चल रहे हैं वो क्या खाएंगे कोई मालिक है कोई किराएदार है तो अभी क्या करेंगे बताओ आप बिरदी चंद मावर भाई साहब नोटिस दिए हुए हमारे को 17 तारीख को नोटिस लगा के चले गए थे 7 दिन का टाइम दिया है हम धीरे धीरे हमारे सामान खोल रहे हैं अब क्या करें क्योंकि उन्होंने पास में वहाँ पे लोहार को बुढ़िया पे भी ना टाइम नहीं दिया नुकसान कर दिया उनका लाखों रुपए का इसलिए सामान खोल रहे हैं किस तरह का डर बना हुआ है आप लोगों डर ये बना हुआ है कि रात को कभी भी आके तोड़ दे इनका क्या भरोसा हमको 7 दिन का टाइम दिया था ये दुकानें कम से कम कम्प्लीट छोटी मोटी दुकानें मिला के 75 दुकानें हैं 75 लोग बेरोजगार हो रहे हैं सबको नोटिस दिया हुआ हालत है सबको डर का माहौल है कोई धंधा है वैसे ही धंधे नहीं थे 3 महीने से अब खोला तो ही देख लो राजेश शर्मा है यहाँ गुलाबबाड़ी में ये फाटक नंबर 44 है यहाँ पे हमको करीब करीब 70 दुकानें हैं यहाँ पे सभी तरह की है कोई 90 साल की है कोई 30 साल की है कोई अतिक्रमण है ऐसे करे जो रसीदे भी है इनके पास में और यहाँ सभी तरह की दुकानें हैं ये करीब है ना जो 50-60 साल पुरानी दुकानें हैं और नगर निगम के द्वारा जो 7 दिन का हमको नगर निगम द्वारा 7 दिन का नोटिस दिया गया है कई लोग अपने स्तर पे भी हटा रहे हैं यहाँ पे और 7 दिन के अंदर या 8 दिन 10 दिन के जो भी टाइम लगेगा सब अपने अपने स्तर से हटा लेंगे ये लेकिन हमारी कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जाए इसके अंदर क्योंकि अभी ब्रिज का काम भी चालू नहीं हुआ है जबकि हमको पहले से ही हटा के यहाँ से ये दुकानें खाली कराई जा रही है हमारे यही मांग है कि हमको वैकल्पिक स्थान दिया जाए कहीं पर जब तक कि ब्रिज बने और ब्रिज बनने के बाद हमको जैसे ये कहना है कि हम उसके नीचे शिफ्ट करेंगे आपके लगभग कितने दुकानें कितने परिवार चलते होंगे आपके यहाँ पे करीब 70 दुकानें हैं अगर एक आदमी 5-6 परिवार मान के चलें तो कम से कम यहाँ पे 500-600 आदमियों का है जो भी है आर्थिक संकट गहराएगा यहाँ पे क्या मानते हो जिस तरह से कोरोना जैसी महामारी आई है लोगों का पहले ही खाना दुश्वार हो गया और अभी कोरोना की जैसी बीमारी आई है तो धंधे तो वैसे ही बिल्कुल चौपट हो चुके हैं और उस चौपट के अंदर ये कोविड के अंदर खाज का काम कर रहे हैं ये हमारे को और यहाँ से हटा रखे हैं और न कोई हमारे रोजगार का कोई इनका कोई चिंता नहीं है, किसी तरह का कोई आश्वासन वगैरह दिया हुआ है कि हमारा आश्वासन ये दिया है कि जब ब्रिज बन जाएगा उसके बाद में आपको नीचे दुकानें दी जाएगी जब तक तो कि हमारे कोई इसको हमारे कोई सही आशा नज़र नहीं आ रही है कि ये बना के दे सकते हैं बाद के अंदर क्योंकि यानी ब्रिज बनने के बाद में ब्रिज बनाने वाली कंपनी यहाँ से चली जाएगी हमारे कोई बना के देने वाला नहीं है और यहाँ से परेशानी बिल्कुल 3 साल तक तो हमारे पास रोजगार ही नहीं रहेगा और उसके बाद कोई गारंटी नहीं है कि सरकार बदल भी सकती है अपना कानून और यहाँ का प्रशासन भी चेंज हो सकता है और ये कंपनी जो बना रही है वो यहाँ पर इसकी कोई गारंटी नहीं कि हमको बना के दे सकती है यहाँ पे 70 दुकानें हैं ये करीब सभी 50-60 साल पुरानी दुकान है यहाँ पे सबको नोटिस दिया है 70 से 70 दुकानों को मेरा नाम राजेंद्र सैनी गुलाबबाड़ी